13 अप्रैल नई फसलों का त्यौहार। 13 अप्रैल एक नए पंथ की स्थापना का दिन। 13 अप्रैल इतिहास में कई वजहों से दर्ज है और उन्हीं में से एक वजह है 13 अप्रैल 1919 का दिन। वह वर्ष 1919 का 13 अप्रैल का दिन था जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। देश के आज़ादी के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है और इसे हम भारत के इतिहास का एक काला पन्ना भी कह सकते हैं। आज से ठीक 102 साल पहले वह घटना घटी थी, लेकिन आज भी 13 अप्रैल को लोग उस दिन को याद करते हैं। देखा जाए तो 13 अप्रैल 1919 के दिन क्या हुआ हमें असल में मालूम ही नहीं। कितने लोग मारे गए, कितने लोग जीवित थे या कितने लोग घायल हुए हमें नहीं पता। हमारे सामने जितने भी आंकड़े रखे गए वो सब अलग थे। हमें सिर्फ इतना पता है कि उस कांड में जो बचे थे वो थे उद्धम सिंह। लेकिन अगर कुछ और सूत्रों की माने तो बहुत से ऐसे लोग थे जो बचे थे उस कांड में, लेकिन वो कभी सामने नहीं आए इस डर से कि वो मारे जाएंगे। अगर हम इन सभी बातों को लेकर चलें तो हम ये कह सकते हैं कि उस दिन का सच उन सभी लोगों के साथ वहीं उस दिन दफन हो गया।